छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के अंतर्गत ग्राम खैरा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र में बिजली पानी जैसे बुनियादी जरूरत नहीं होने के कारण मरीजों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बहुत सारे सुविधा असुविधा है, पूरा मतलब कि जनता पूरा परेशान भी रहती है, मतलब कि सुविधा के कारण पानी तो बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा है लाइट वाइट आए हुए डिलीवरी होता है तो दो दो तीन तीन आते हैं तो एक साथ के लिए भी सुविधा नहीं है यहाँ, और बिजली भी चली जाती है। इस समस्या को लेके आप लोगों ने कुछ पहल किया है? हाँ, दो साल हो गया लगभग, पंचायत के थ्रू भी हम लोग मतलब आवेदन दिए थे, अपने ब्लॉक में भी दिए थे, स्वास्थ्य विभाग में भी, तो भी से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं सोचता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अगर कार्रवाई करके अगर कर देंगे तो ज़्यादा सुविधा मिलेगा जनता को, ताकि लाभ मिल सके। बीमारी तो बहुत सारे आते हैं, जैसे पैर दर्द हाथ दर्द मतलब सब चीज़ है, पेन वाले आते हैं, उड़ वाले आते हैं, लेकिन वो हिसाब से सुविधा नहीं देते हैं जो देना चाहिए। कितने गांव के लोग यहां पे आते हैं इलाज के लिए? यहां 5 गांव हैं एरिया में। पंचायत की तरफ से कोशिश कर रहा था कि बोर होना चाहिए, जब से हॉस्पिटल बने तब से लगा था आवेदन, तो ऐसे फिर भी मतलब सुनवाई नहीं होते, अभी तक के पानी के समस्या के हल नहीं हो पाते। इस वीडियो को मैं इसलिए बनाई हूँ कि उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी के कमी होने के कारण महिलाएं डिलीवरी के लिए घूमकर स्वास्थ्य केंद्र में जाने के लिए मजबूर होते हैं। वीडियो देखने वाले लोगों से मैं अपील करती हूँ कि जिला राजनांदगांव PHC विभाग SN पांडे का नंबर है 07744224035, इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।